नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज कल हमने लास्ट टाइम पे अल्मोड़ा के पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे, और आज अल्मोड़ा के जो बचे हुए पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी कर लेंगे, और उनके साथ साथ जो चमोली के भी पुरातात्विक स्रोत हैं उनको भी कर लेंगे। ठीक, तो ये आपके सामने कोड वर्ड लिखा है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे, निःशुल्क मिलते रहे। सब्सक्राइब करने का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के हम स्रोत पढ़ रहे थे कल, अल्मोड़ा के हमने कंप्लीट कर लिए थे। नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख लें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अल्मोड़ा के अगला है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी, रामगंगा पश्चिमी नदी अल्मोड़ा में बहती है, और ये दुधातोली से जो निकलती है और अल्मोड़ा बहते हुए पौड़ी से राय से क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है। तो यही रामगंगा घाटी, यही रामगंगा घाटी के किनारे एक गांव पड़ता है अल्मोड़ा में ही, नौला गांव। नौला गांव के रहने वाले थे यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जिन्होंने कल फड़का नौली की खोज की थी, कल के वीडियो में दिखा था फड़का नौली की खोज की थी, पेटसाल की खोज की थी, वही यशोधर मठपाल। अल्मोड़ा के जो ये रामगंगा नदी है, पश्चिमी रामगंगा, इसी के किनारे उनका गांव है, उसका नाम है नौला गांव, तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो उनको रामगंगा नदी की घाटी से शवागार और कपमाक्ष मिले हैं। शवागार क्या होता है? शव को दफनाने के लिए, जो शव को दफनाने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसे कहते हैं शवागार। और ऐसे ही ज़मीन पे जो होल किए जाते हैं, जैसे ये कोई ज़मीन है, ज़मीन पे मैंने वो जैसे ओखली कू ओखल ज़मीन पे छेद किया जाता है, ओखली लगाई जाती है, तो ओखली भी क्या है, कपमाक्ष है ज़मीन पे। ठीक, उसी प्रकार के कपमाक्ष मिले हैं इनको रामगंगा घाटी से, कपमाक्ष जिन्हें हम ओखली कहेंगे, और शवागार भी मिले हैं किसको, डॉक्टर यशोधर मठपाल को। तो रामगंगा के शवागार और कपमाक्ष की खोज किसने की? डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। ठीक हो गया, बड़े समझ समझ के पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है बजाय रट्टा मारने के। उसके बाद अल्मोड़ा के जितने भी शैलचित्र हैं, समस्त जो भी शैलचित्र अल्मोड़ा के मिले हैं, सभी शैलचित्रों की एक विशेषता यह है कि वो सभी शैलचित्र लाल रंग के हैं। सभी शैलचित्र लाल रंग के हैं। अल्मोड़ा के शैलचित्रों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसके बाद अगला है बगवाली पोखर। बगवाली पोखर एक स्थान है दौराहाट से, आगे पड़ता है, करीबन काफ़ी पड़ता है दौराहाट से, लेकिन दौराहाट के ही बगल में है बगवाली पोखर। तो बगवाली पोखर का गांव है धनगल। बगवाली पोखर से धनगल गांव से, बगवाली पोखर के धनगल गांव से थापली व पुरोला, थापली व पुरोला के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं उत्तरकाशी से। तो थापली से क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं थापली से, प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर चित्रकारी की गई है, वो थापली से मिले हैं। और पुरोला से क्या मिला है, संक लिपि में लिखा गया कुछ अवशेष मिला है, प्लस ये मृदभांड वहाँ से भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। तो धनगल के जो चित्र हैं, धनगल के जो धनगल बगवाली पोखर से जो हमें अवशेष मिले हैं वो क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं मिट्टी के, यानी बहुत सारे मिट्टी के ही अवशेष यहाँ से मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं कहाँ से, धनगल से, बगवाली पोखर के समीप धनगल गाँव से। ठीक, और जो किनके समान है, थापली और पुरोला से जो हमें अवशेष मिले हैं उन्हीं के समान हैं। अगला, इन पर जो वो जो अवशेष मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पर किस कलर का प्रयोग किया गया है, लाल कलर का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना। अल्मोड़ा से जो भी शैलचित्र मिले हैं, चाहे वो मृदभांड भी हैं, तो उन पर भी किस रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ये देखिए चित्रित मृ, और उन पर चित्र भी बनाए गए हैं, चित्र चित्रित मृदभांड मिले हैं लाल रंग से, लाल रंग का प्रयोग किया गया, उन पर चित्र भी बनाए गए हैं तरह तरह के। ठीक, इसकी जो खोज हुई थी बगवाली पोखर की खोज 1998 में एमपी जोशी ने की थी, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे बीडीएस नेगी। तो ये बगवाली पोखर का जो धनगल गांव में रिसर्च का कार्य किया, उत्खनन का कार्य किया, वो किसके द्वारा किया है, बीडीएस नेगी और एमपी जोशी द्वारा। कब किया गया, 1998 में। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें हो गई ये। उसके बाद द्वाराहाट का एक चंद्रशेखर मंदिर है। चंद्रशेखर मंदिर अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है, जहाँ से महापाषाणकालीन ओखली, यही कपमाक्ष, महापाषाणकालीन ओखलियाँ मिली हैं, कपमाक्ष मिले हैं। ठीक, जो कितनी लाइनों में है, 12 पंक्तियों में है, वो कपमाक्ष जो है 12 लाइनों में, इतने सारे, यानी एक साथ इतने लोग ओखल कूटने का कार्य करते होंगे प्राचीन का, प्राग महापाषाण काल में,
ये उस काल में लोग एक बार है पंक्तियों में बहुत सारे ओखलियां कप मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब क्या करते थे, वो खेती करते होंगे। ठीक, उसके बाद इसकी जो खोज की गई थी दौराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से, जो है महापाषाणकालीन हमें ओखली मिली है, इनकी जो खोज की गई वो 1877 में रिबेट कारनक द्वारा की गई। रिबेट कारनक द्वारा 1877 में की गई। किसकी खोज? चंद्रेश्वर मंदिर से जो हमें 12 पंक्तियों में क्या मिले हैं, ओखलियाँ मिली हैं, उनकी खोज। ठीक, उसके बाद अल्मोड़ा के हमारे सारे अवशेष खत्म हो गए। अब है चमोली के। चमोली का सबसे पहला अवशेष है, चमोली से प्रागैतिहासिक काल का अगर कोई अवशेष मिलता है सबसे पहले, वो है ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा, ग्वारख्या गुफा अलकनंदा नदी के किनारे चमोली के डुंगरी ग्राम में स्थित है, जहाँ से पीले रंग की चट्टान पर लाल व गुलाबी रंग के चित्र मिले हैं। पीले रंग की चट्टान पर लाल व गुलाबी रंग के क्या मिले हैं, यहाँ से चित्र मिले हैं। और 41 आकृतियाँ मिली हैं, जिनमें 30 मानव की हैं, 8 पशु की हैं और 3 पुरुषों की आकृतियाँ हैं। 30, 8 और 3, 3 पुरुष की आकृतियाँ हैं। टोटली 41 आकृतियाँ यहाँ से मिली हैं। कहाँ से मिली 41 आकृतियाँ? ग्वारख्या गुफा से, जो डुंगरी ग्राम अलकनंदा के किनारे है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल व गुलाबी रंग का चित्रों पर प्रयोग किया गया है। और वो जो चट्टान है उसका रंग कैसा है जिसपे चित्र बनाए गए हैं? पीला कलर है उसका, पीला रंग है। और यहाँ से उस चट्टान पे क्या क्या बनाया गया है, क्योंकि गोरखा काल में कहते हैं कि गोरखा लोग यहाँ अपना सामान छुपाते थे, जब लूट लूटपाट करते थे। गोरखाओं ने खूब लूटपाट की थी गढ़वाल कुमाऊं में, जब उन्होंने खूब लूटपाट की थी तो वो अपना लूट का सामान यहीं छुपाते थे और उन पर चित्र बना देते थे कि हमने ये सामान यहाँ पर छुपाया हुआ है, ताकि जो अगला उन गुफाओं में रहे उसको पता चल जाए कि ये सामान यहाँ छुपाया गया है गोरखा गुफा के अंदर, इसलिए वो चित्र बना देते थे, शायद ऐसा ही माना जाता है। तो 41 चित्र मिले हैं यहाँ से टोटली, जिनमें 30 मानव के चित्र हैं, 8 पशुओं के चित्र हैं और 3 पुरुष के चित्र हैं। ठीक, मनुष्य का आकार यहाँ पर कैसा है? त्रिशूल की भांति दिखाया गया है मनुष्य को। मनुष्य का आकार जो है त्रिशूल की भांति, त्रिशूल देखो कैसे होता है, ये हो गया, ये मनुष्य हो गया ऐसे, ये हो गया हाथ, ये हो गए हाथ इस तरह से, ये हाथ हो गई, ये एक मनुष्य भी हो गया, एक त्रिशूल जैसा भी हो गया, इसने हाथ ऊपर को कर रखे हैं, तो देखो त्रिशूल की तरह लग रहा है। इस तरह के चित्र मिले, मनुष्य को त्रिशूल की भांति दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद बकरी, भेड़, लोमड़ी, बारहसिंगा, ये चीज़ें हैं। इस जो गुफा को, ग्वारख्या गुफा को दुनिया के सामने किसने रखा था, कौन गया था यहाँ खेलते खेलते? वो गया था राकेश भट्ट। राकेश भट्ट ने इसे सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। ठीक, राकेश भट्ट ने ही इसकी खोज की थी। उसके बाद यहाँ का जो मुख्य विषय है वो है पशुओं को हाँका देकर घेरना। यहाँ का मुख्य विषय है पशुओं को हाँका देकर, बहुत सारे लोग पशुओं को हाँका दे रहे हैं और घेर रहे हैं उसे, अर्थात क्या कर रहे हैं, पशुओं का शिकार कर रहे हैं। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगला अवशेष है किमनी गाँव। किमनी गाँव से सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। किमनी गाँव से किस कलर के चित्र मिले हैं? निम्न में से किस पाषाणकालीन स्थल से या प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से सफ़ेद रंग के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? किमनी गांव से। अभी और यहाँ से ग्वारख्या गुफा से क्या मिले हैं? गुलाबी रंग के, सही है, लाल और गुलाबी रंग के। तो किमनी गांव से सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। जो हथियार बनाए गए हैं, जैसे इस तरह से भाला, ये हथियार हो गया, इस तरह से एक भाला बनाया गया है ये, तो इसके ऊपर कलर कैसा किया गया है, पूरा सफ़ेद कलर किया गया है, चित्रित हथियार है ये। ठीक, और पशुओं के भी शैलचित्र मिले हैं, लेकिन कलर कैसा है, सफ़ेद, ध्यान रहे। उसके बाद मलारी गांव, चमोली का अगला है मलारी गांव। सन 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव की खोज की थी। मलारी गांव के जो अवशेष मिले हैं उनकी खोज किसने की थी? सन 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने। यहाँ से महापाषाणकालीन शवागार भी मिले हैं। शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से जो खोज की थी वो किसकी की थी? महापाषाणकालीन शवागारों की खोज की थी केवल। ये ध्यान रहे कि सन 2002 से पहले हमें यहाँ पे क्या मिले थे? केवल महापाषाणकालीन शवागार मिले थे बस। और उनकी खोज किसने की थी? 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने की थी। बाद में जब सन 2002 में HNBGU यानी 2002 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा खोज किया गया इसे, फिर यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया। ठीक, तो यहाँ से हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल भी मिले। जब खोज किया गया तो यहाँ से क्या मिले? हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल मिले हैं। ठीक है, उसके बाद इतने वर्ष पुराने नरकंकाल मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहाँ से, 5.2 किलो का
लगभग लगभग 5 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला है। तो 5 किलो का सोने का मुखौटा मायने रखता है, 5 किलो सोने का रेट कितना होगा। तो ये सब गढ़वाल यूनिवर्सिटी को मिले। कांसे का एक कटोरा मिला, कटोरा मिला कांसे का। लौह उपकरण वाले हथियार जो मिले हैं, लोहे के हथियार मिले हैं। और इसके अलावा पशुओं के कंकाल मिला है, एक पशु का सेपरेट कंकाल मिला हुआ है। अब अभी तक विद्वानों का पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पशु है क्या। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये पशु क्या है, हिमालयी वृषभ है, वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। ठीक हो गया। देखो मलारी की खोज 1956 में शिवप्रसाद डबराल ने की। यहाँ से शिवप्रसाद डबराल ने महापाषाणकालीन सभागार खोजे। फिर 2002 में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। उन्होंने यहाँ से हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल खोजे, मिट्टी के बर्तन खोजे, सोने का मुखौटा 5.2 kg का खोजा और कांसे का एक कटोरा खोजा। यहाँ से उन्होंने लौह उपकरण भी खोजे हैं, लोहे के हथियार भी खोजे हैं। ठीक। और उन्होंने यहाँ से उनको पशुओं का एक कंकाल भी मिला। वो पशु का कंकाल ये माना जाता है कि क्या है, वो हिमालयी वृषभ। वृषभ माने होता है बैल, तो हिमालयी बैल के रूप में उसकी पहचान की गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।